भारतीय उपमहाद्वीप के दिल में बगीचों और घास के मैदानों के हरे भरे बीच में एक ऐसा प्राणी घूमता है जो सौंदर्य और प्रतिकूलता की जरा सी अंश को पकड़ लेता है। बारहसिंघा, हमारे साथ आइए, हम इस महाकाव्य स्वॉम्प डियर की दुनिया में जाते हैं जब हम उसकी असाधारण कहानी का पर्दाफाश करते हैं। बारहसिंघा एक हिरण के परिवार का जानवर है। बारहसिंघा, जिसे वैज्ञानिक रूप से रुसर्वस डुवोसली कहा जाता है, जिसको देखना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। स्वान हिरण एक ऐसा जानवर है जो विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये कुछ ही सालों में इस धरती से गायब हो जाएगा। बारहसिंघा अधिकतर उत्तरी भारत में पाया जाता है, हालांकि वर्तमान में इसे भारत के कुछ जंगलों में देखा जा सकता है, जैसे कि कान्हा, दुधवा और काजीरंगा जैसे राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में। आज ये जानवर नेपाल में देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि इस जानवर का नाम ऐसा क्यों है। बारहसिंघा नाम इसके सिंगों की वजह से दिया गया है, क्योंकि इसके सिंगों में 12 या 12 से भी ज्यादा शाखा होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस दुर्लभ जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आज शायद ही भारत में देखने को मिलता है। ए जानवर क्या खाता है और कहाँ पाया जाता है, ये कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बारहसिंघा अपने आकर्षक रूप के लिए मशहूर है। बारहसिंघा को दलदल का मृग भी कहा जाता है। आज बारहसिंघा भारत में ही नहीं परंतु पूरे विश्व से गायब हो गया है। आज पे जानवर उत्तर भारत के कुछ अभयारण्य और नेपाल में ही पाया जाता है। बारहसिंघा एक मध्य आकार का हिरण है, जिसकी ऊंचाई करीब 130 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन करीब 180 से 185 किलो तक होता है। नर बारहसिंघा मादा बारहसिंघा से थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। बारहसिंघा का जीवन काल 20 से 30 साल तक होता है। बारहसिंघा की तृण उप प्रजाति भारत में देखने को मिलती है। वेस्टर्न बारहसिंघा अधिकतर नेपाल में देखने को मिलता है। साउथर्न बारहसिंघा मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। वही तीसरी प्रजाति ईस्टर्न बारहसिंघा जो असम राज्य में देखने को मिलता है। ये ज्यादातर अपने झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। उनके झुंड की संख्या 20 से 70 तक होती है। उनके झुंड में मादा की संख्या नर की तुलना में अधिक होती है। कभी कभी सिर्फ मादा या नर का ही झुंड होता है। बारहसिंघा अपने सामाजिक स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। जब भी प्रजनन का मौसम आता है तो झुंड में मौजूद सभी नर मादा को रिझाने के लिए आपस में लड़ते हैं, और जो नर जीतता है वह मादा के साथ सहवास करता है। उसका गर्भकाल का समय लगभग 8 महीने तक होता है। इसके बाद वह एक फौन को जन्म देती है। बारहसिंघा एक शाकाहारी जानवर है जो पौधे, घास या घास से बनी जड़ी बूटियां खाता है। इनमें से अधिकतर सुबह और शाम को ही अपने भोजन के लिए बाहर आते हैं। वे दिन भर आराम करते हैं। बारहसिंघा ध्वनिमान संगीतमय कॉल का आवाज करते हैं। बारहसिंघा की गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इनके शरीर का रंग हल्का नारंगी या हल्का भूरा होता है। बारहसिंघा का शिकार शेर या तेंदुआ जैसे जानवर करते हैं। ख्याल ये तो जंगली जानवर है जो वे अपने भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करते हैं, और इंसान भी चंद रुपयों के लिए इस जानवर का शिकार करने लगे हैं। वर्तमान समय में बारहसिंघा की प्रजाति दुर्लभ हो गई है। पहले ये पूरे एशिया महाद्वीप में पाया जाता था, वैसे आज ये प्रजाति पूरी कम हो चुकी है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार बारहसिंघा की अनुमानित कुल आबादी 3500 से 5100 के बीच है। इसमें बारहसिंघा की उपप्रजाति की संख्या भारत में 3500 से 4000 तक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वेस्टर्न बारहसिंघा की उपप्रजाति की संख्या 350 से 500 तक है, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बारहसिंघा की संख्या 300 से 350 तक है। कुल मिलाकर आज बारहसिंघा की संख्या कम होती जा रही है। अगर इंसान अपनी गिनोनी हरकत बंद नहीं करेगा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बारहसिंघा या इसके जैसे कई अन्य जानवर और पक्षी देखने को नहीं मिलेगा।
दोस्तों आपको बारहसिंगा के बारे में ये सारी जानकारी कैसी लगी ये कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको एक नए वीडियो में देखूंगा। धन्यवाद।